पूछना चाहते हैं कि 4 साल के बाद युवा नौजवान आखिर जाएंगे कहाँ? जब आप गोली चलाना इनको सिखा देंगे तो 4 साल के बाद ये गोली कहाँ चलाएंगे? अभी लंबे इस बिल को वापस लीजिए, नहीं तो छात्र और नौजवान के लिए लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार सहित देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर सेना अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कई छात्र संगठनों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में बिहार के सभी जिले से प्रभावित है, 16 जिलों के इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 3 जिलों में धारा 144 लगा दिया गया है, मुजफ्फरपुर जिला हो, सिवान हो या फिर खगड़िया जिला हो, इन तीनों ही जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। और आप समझ सकते हैं, तनाव इतना बढ़ चुका है, आक्रोश इतना बढ़ चुका है, उपद्रवियों ने उपद्रव इतना किया है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान काफ़ी हुआ है। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति जो है वो जलकर के राख हो गई है। कटिहार ज़िले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, जहाँ कटिहार ज़िले के शहीद चौक पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, छात्र हैं, सेना अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा शहीद चौक को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मोदी सरकार से नियमों को वापस लेने की अपील की गई है। वहीं छात्रों ने केंद्र सरकार का जमकर के विरोध किया है, नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस प्रदर्शन को लेकर पहले से ही मुस्तैद थी, हर तरफ प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था। कल ही हमने बताया आपको, बिहार के 16 जिलों की इंटरनेट सेवाएँ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, इंटरनेट प्रभावित है, पूरी तरह से ठप है। और अब आप समझ सकते हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां जल रही हैं। कटिहार ज़िले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ज़िले में भी हाल कुछ अलग नहीं है, हाल वैसा ही है। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शनकारी नहीं थे। इस अग्निपथ योजना के लागू होने की खबर सुनने के बाद वो प्रदर्शनकारी बन गए, हालांकि वो थे सेना अभ्यर्थी, अभी भी वो सेना अभ्यर्थी हैं, लेकिन सेना के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब अग्निपथ योजना की लागू करने की बात शुरू हुई, सरकार ने जब इसकी घोषणा कर दी, सेना में बहाली प्रक्रिया में बदलाव किए, 4 साल के लिए अब सेना में बहाल किए जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं छात्र जो कटिहार में मौजूद हैं, अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ वो पूछ रहे हैं, जरा सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 4 साल का नियम लाया गया है, हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि 4 साल के बाद युवा नौजवान आखिर जाएंगे कहाँ? जब आप गोली चलाना इनको सिखा देंगे तो 4 साल के बाद ये गोली कहाँ चलाएंगे? हम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अभी लंबे इस बिल को वापस लीजिए, नहीं तो छात्र और नौजवान के लिए लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं, अगर जब बिल वापस नहीं होता है तो इस सभी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। प्रशासन सख्ती से पेश आएगी, हम लोग भी सख्ती से पेश आएंगे। हम लोग अभी शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सब प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी हम लोग को कोऑपरेट करें, हम लोग भी प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। मेरा नाम चंदन यादव, कटिहार। केंद्र सरकार से अपना दुखड़ा क्या सुना रहे हैं छात्र संगठन जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो आप सुन रहे हैं। भले आप इन्हें प्रदर्शनकारी कहिए, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो उग्र हो चुके हैं, वो हर तरफ कह सके तो दंगा फसाद फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। प्रदर्शन करना सही है, विरोध करना सही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये कह सके तो एक ढांचा है। लेकिन कटिहार ज़िले से जो छात्रों ने आवाज़ उठाई है, जो कहना शुरू किया है केंद्र सरकार को, कुछ वैसा ही हाल बिहार के लगभग लगभग हर जिले में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।